हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जहां पर हम मॉडल सीरीज़ को देख रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मॉडल्स एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होते हैं जिसे हम इरेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। टोटल 13 होते हैं और इरेगुलर वर्ब कहने के पीछे कारण होता है इनका इरेगुलर स्वभाव। मतलब ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल की बात है, डेफिनेशन हम देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम शैल पढ़ेंगे क्योंकि हमने पिछले वीडियो में विल को पढ़ा था। नॉर्मली इसका मतलब होता है गा, गे या गी, है ना। जनरल इसका प्रयोग करते हैं हम संभावना बताने के लिए, और संभावना बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ। अदर सारे सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, जनरली इसका हम प्रयोग करते हैं आई और वी के साथ अदर सब्जेक्ट्स को छोड़कर। जैसे कि मैंने कहा मैं क्रिकेट खेलूंगा तो आई शेल प्ले क्रिकेट। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मली जो मॉडर्न इंग्लिश में आप देखेंगे सबके साथ विल लगाते हैं, पर डिफरेंस तो है। अगर आप आई विल प्ले क्रिकेट मतलब मैं तो जरूर खेलूंगा भले कितनी भी धूप हो, कितना भी पानी हो, बट आई शेल प्ले क्रिकेट मतलब मैं क्रिकेट खेलूंगा। अगर पानी वानी गिरा तो हो सकता है कोई सरकमस्टांसेस थोड़ी अपोजिट हो गए तो मैं ना भी खेलूं। तो पहला प्रयोग जो है हम इसका प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ संभावना के लिए। जैसे कि मैंने कहा वी शैल गो टू पार्क, कि हम पार्क जाएंगे। ये आपका इंटेंशन यहां पर नजर आता है कि भाई हाँ संभावना है हम पार्क जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पर कोई जरूरी नहीं है कि आप जाएंगे। अगर वी विल गो टू पार्क मतलब हम पार्क जरूर और जरूर जाएंगे। अगली बात हम करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। इनफॉर्मल तरीके से किसी रिक्वेस्ट को करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों कैसे, जैसे कि छोटा बच्चा मम्मी से बोला मम्मी अब बहुत पढ़ लिया, टीवी देख लूं, पापा मैं आपकी बाइक आज ले जाऊं, तो इस स्थिति में शैल का प्रयोग करेंगे। बहुत पॉपुलर है मॉडर्न इंग्लिश में। जैसे कि मैंने कहा शैल आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं। शैल आई वॉच टेलीविज़न, क्या मैं टीवी देखूं, क्या मैं सो जाऊं। जैसे मम्मी ने पढ़ने बैठा दिया, आई अब टेबल याद करेगा तभी सोएगा, थोड़ी देर बाद नींद आने लगी मम्मी सो जाऊं, तो वो आप बोलने के लिए दोस्तों शैल का प्रयोग करेंगे। क्या मैं ऐसा कर लूं या ऐसा कर जाऊं, वो होगा आपका शैल, ठीक है। तो ये तो हमने देखा आई और वी के साथ शैल के जनरल यूज। स्पेशल यूज में यदि सेंटेंस में कोई थ्रेट वाली बात हो यानी धमकी, प्रॉमिस आप किसी को कर दें, वादा अगर आप किसी को कर रहे हैं, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाली बात हो तो फिर इसका प्रयोग करते हैं अपन ही शी इट व अदर सब्जेक्ट के साथ आई और वी को छोड़कर। मतलब जनरल सर्कमस्टांसेस में इसका प्रयोग अपन आई और वी के साथ कर रहे थे, बट जैसे ही कंडीशन अपोज बनी, कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन बनी है, तो हम आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि मैंने कहा वह तुझे जान से मार देगी देखना, तो शी शैल किल यू बोलूंगा यहां पर, क्योंकि अगर मैं शी विल किल यू बोलूंगा दोस्तों तो वो वजनदारी इंटेंसिटी जो आप दिखाना चाह रहे हैं वो आपको नजर नहीं आएगी। इसलिए क्या कहना पड़ेगा शी शैल किल यू, ठीक है। अब अगर प्रॉमिस कैसे कर किसी कर दिया, जैसे कि मैंने कहा राम तेरी मदद जरूर करेगा, तो क्या जाएगा राम शैल हेल्प यू, राम शैल हेल्प यू, ये हो गई एक बात। अब आपको ध्यान में सिर्फ इतना रखना है कि विल और शैल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आई और वी के साथ क्या लगाना है, आपको विल लगा देना है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट के साथ जो सॉरी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आई और वी को छोड़कर, ध्यान से सुनिएगा, आई और वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ आपको लगा देना है विल, और आई और वी के साथ क्या लगाएंगे आप शैल। बट जैसे ही अगर थ्रेड की बात हुई, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वाली बात हो गई, या कोई प्रॉमिस वाली बात हो गई, मतलब नियम आप अपोजिट हो गए, तो ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ क्या लगता है जनरली शैल, पर आप अब क्या लगाएंगे विल, क्योंकि ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। और वहीं अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है विल, पर अब आप क्या लगाएंगे शैल, क्योंकि आपको आपका जो दबाव है, प्रेशर है, एम्फेसाइजेशन है, फेसिस है, वो बढ़ाना है, इसलिए आप क्या लगा देंगे विल। मतलब नियम बदलने पर विल वालों सब्जेक्ट के साथ शैल और शैल के साथ क्या लग जाएगा विल। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।